जब भी हमें कुछ लेना होता है अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम ले, कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन को सूट करेगा, इसमें केमिकल है कि नहीं है। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, उसे आप एक बार मेरे बोलने पे अप्लाई कीजिएगा। इतना गजब का रिजल्ट आपके चेहरे पे आने वाला है। आप महंगे से महंगी क्रीम, फेस वॉश, फेस पैक सब भूल जाएंगे। इतना गजब का आपके चेहरे पे रिजल्ट मिलने वाला है इस रेमेडी का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप फेस पैक की तरह यूज कर सकते हैं, इसे आप फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है 2 चम्मच बेसन, और आप इस रेमेडी को बना के 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपको डेली नहीं बनाना है, जब आप शावर लेने जाते हैं या जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने लिया है बेसन, 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज पील, 1/2 चम्मच हमें यहाँ पे ऐड करनी है हल्दी, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है। किसी किसी को एक्ने पिंपल्स की समस्या होती है समर सीजन में, या कहीं कहीं पे भी बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश में किसी किसी को फेस पे इचिंग होती है, तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया है मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल का पाउडर मैंने घर पे बनाया है। मसूर दाल पाउडर की रेमेडी मैंने कुछ दिन पहले ही चैनल पे शेयर की है, अगर आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हमें इसे एक एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट करके रख देना है 1 से 2 महीने के लिए, जितनी क्वांटिटी में आप चाहे इसे बना सकते हैं। उसके बाद जब आप शावर लेने जाते हैं, 1 बाउल हमें लेना है, 1 चम्मच ये पाउडर हमें इसमें ऐड करना है, और इसमें आप चाहिए तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप कच्चे दूध में बना सकते हैं, मैं यहाँ पे दही में बना रही हूँ। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसे आपको दही में नहीं बनाना है, कच्चे दूध में नहीं बनाना है, इस रेमेडी को आपको रोज वाटर में बनाना है। रोज वाटर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल वाटर में इस रेमेडी को मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे हथेली में 1 चम्मच पाउडर लीजिए, थोड़ा सा पानी, रोज वाटर, दही, दूध, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ऐड कीजिए हथेली में, मिक्स कीजिए, डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर शावर लेने के पहले आपके पास 10 से 5 मिनट है तो इस तरह से बाउल में मिक्स करके आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। जैसे आप फेस पैक अप्लाई करते हो सेम उसी तरह से अप्लाई करना है। 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे अप्लाई करके छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो जाएगा, डायरेक्ट नॉर्मल वाटर से आपको इसे रिमूव कर देना है। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है और इसे ऑल टाइप स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। आपकी कोई भी स्किन हो, जैसे मैंने बताया अगर ऑयली स्किन है तो आप इसे रोज वाटर या नॉर्मल वाटर में बना सकते हैं। ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप इसे दही या कच्चे दूध में बना लीजिए। अगर आप इसे अपने चेहरे पे प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप इसे अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको महंगे फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी, महंगे सोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रेमेडी से आप अपने चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं, अपने कलर टोन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किन को बेदाग बना सकते हैं, चेहरे पर एक नेचुरल सा ग्लो ला सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अप्लाई करके बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने मसूर दाल ऐड किया है। मसूर दाल हल्का सा दरदरा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर देके आप मसाज करोगे तो फेस पे रेडनेस हो सकती है, रेसेस आ सकते हैं फेस पे। बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है इसे आपको, और डेली अपने चेहरे पे अप्लाई करना है फेस वॉश सोप की जगह पे। आपको कोई भी फेस वॉश अपने चेहरे पे नहीं अप्लाई करना, इसी से आपको अपने चेहरे को धोना है। आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 हफ्ते में आप देखेंगे आपकी स्किन में अच्छा खासा चेंजेस होने वाला है। आप खुद हैरान हो जाओगे कि इस तरह की रेमेडी हमें इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकती है। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट हमने ऐड किए हैं सारे के सारे हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मुल्तानी मिट्टी हो गया, यहाँ पे हमने ऑरेंज पील पाउडर लिया है, बेसन लिया है, ये सारा कुछ हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा।
चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेमेडी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसे अप्लाई करने के बाद रिजल्ट जैसा मिलता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक रिमूव किया है, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल। उसमें थोड़ा सा मैं रोज वाटर मिक्स कर रही हूँ। रोज वाटर हमारी स्किन पे टोनर का काम करता है। इसे आपको अपने चेहरे पे एक बार दिन में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस रेमेडी को आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अगर भरपूर मात्रा में हम पानी पीते हैं तो हमारे फेस पे एक्ने पिंपल्स की समस्या नहीं होती है, दाग धब्बे नहीं आते हमारे चेहरे पे। स्किन को अपने हील करके रखिए, हाइड्रेट करके रखिए। अगर हमारी स्किन पे नमी बनी रहती है तो समय से पहले हमारी स्किन लूज नहीं होती, रिंकल्स नहीं आते हमारे चेहरे पे।